भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव और वीडी शर्मा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकल्प पत्र की खासियत बताई। आपको बता दें कि भाजपा का मैनिफेस्टो रविवार को दिल्ली में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया था। इसी को लेकर सीएम मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोमवार को जिले के प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल खास बिंदुओं से सभी लोगों को अवगत कराया और उन्होंने इसे 2047 के विकसित भारत का विजन डॉक्यूमेंट बताते हुए संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी नाम दिया। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 26,000 लोगों ने संकल्प पत्र के लिए सुझाव दिया है। इसके लिए पूरे एमपी में 1100 पेटियां रखवाई गई थी। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के मुफ्त इलाज का सुझाव चिकित्सा प्रकोष्ठ से मिला। यह 2047 के विकसित भारत का संकल्प पत्र है। जो कल दिल्ली में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विमोचित किया है, तो आज मध्य प्रदेश की इकाई लोकसभा के आम चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसका विमोचन का अवसर है। इस अवसर पर मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत करता हूं। आपको नवदुर्गे के पावन पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं। ये जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र लोकसभा चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को विकसित भारत के लिए अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस संकल्प पत्र को दिल्ली के अंदर कल जारी किया है। और इस संकल्प पत्र में आप सबने देखा होगा कि ये संकल्प पत्र पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने पहले संकल्प लिए थे उनको गारंटी के साथ जो पूरा किया, तो ये आज आगामी आने वाले 5 वर्षों के लिए ये संकल्प पत्र है, ये मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षण भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में जो काम किया है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से आगामी 2047 का विकसित भारत बनेगा, उसके इर्द गिर्द इस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्रित किया है। संकल्प पत्र के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया था सुझाव संकलन के लिए। हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी मीडिया के मित्रों के सामने उसको प्रेषित किया था कि किस प्रकार से सुझाव पेटियां पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने जैसे रखी थी 1100 स्थानों पर, और नमो ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन सुझाव लोगों से लिए थे। देश के अंदर कार्यकर्ताओं के प्रयासों से और देशवासियों के सहयोग के आधार पर लगभग 15 लाख सुझाव पूरे देश के अंदर इस संकल्प पत्र के लिए मिले।